ओके, बेसिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे आए थे। तीन एलिमेंट से, कौन से तीन एलिमेंट से? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये बेसिक तीन एलिमेंट्स है। फिर मटेरियल के दो पार्ट, कौन से दो पार्ट? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। लेबर के दो पार्ट, ओवर डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को मिला के क्या बनता है? ओवरहेड्स। फिर ओवरहेड्स के तीन पार्ट कौन से? फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के दो पार्ट, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन जनरल, तो ऐसे दो पार्ट रहेंगे। फिर कॉस्ट शीट पे आओ। कॉस्ट शीट में सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, दूसरा एड डायरेक्ट लेबर, एड यू विल गेट एड ओपनिंग WIP लेस, तुमको क्या मिलेगा? नेट फैक्ट्री कॉस्ट, एड क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड प्रोडक्शन लेस स्क्रैप, एड पैकेजिंग कॉस्ट, तुमको क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एड लेस क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर उसके बाद एड कौन से वाले, एड और एक ऐड करने का है, इंटरेस्ट। यू विल गेट एड, यू विल गेट, ओके। फिर ये हो गया तुम्हारा कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में एक आइटम नहीं बोला है जो ऊपर हमेशा लिखना है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, नंबर ऑफ यूनिट। और इसमें एक चीज तुम फ्यूचर में जाके भूलने वाले हो, कौन सी? क्लोजिंग स्टॉक। ऊपर नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस एंड सेल्स के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक आएगा, और क्लोजिंग स्टॉक तुम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। कौन से चैप्टर में भूलने वाले? सेवन चैप्टर में, ठीक है? हाँ, फिर मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्टिंग एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, ये तीनों चीजों पे आए थे अपन। तो एक 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 करके बोलो, मेथड्स टेक्निक्स में क्या फर्क है? सबसे पहले मेथड एंड टेक्निक में क्या फर्क? मेथड हर बिजनेस के लिए अलग अलग होता है, और टेक्निक सबके लिए कॉमन होती है। ओके, फर्नीचर है, रेडीमेड है, तो कौन सा मेथड लगेगा? बैच। और रेडीमेड नहीं है, इंडिविजुअल रो हाउस के हिसाब से वो जॉब कॉस्टिंग में जाएगा। ओके, शुगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आएगी। ओके, कोल सिंगल यूनिट कॉस्टिंग में आएगा। ब्रिज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आएगा। सीए का ऑफिस ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग में आएगा। ओके, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग हो गया। फिर अपन आएंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये तुम्हारा अकाउंट्स में हुआ रहेगा, फिर भी एक बार का रिवाइज करा लेते। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब कॉस्ट है पर रिकॉर्ड नहीं होती अकाउंट्स में। एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो स्पेसिफिकली अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती है। अब कौन से एग्जाम्पल है इसके एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट के? तो सबसे पहले तो कॉस्टिंग में कंसिडर होते हैं क्या, वो चीजें ध्यान देंगे। अकाउंट्स में तो कंसिडर होती ही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे ओनर बिजनेस में काम करता है क्या? बिजनेस का ओनर बिजनेस में काम करता है क्या? सैलरी लेनी चाहिए क्या लॉजिकली? हाँ या ना? यस, सैलरी तो लेनी चाहिए।
पर तुम सैलरी डालते हो क्या उसकी? नहीं, ओनर काम कर रहा है, सैलरी लेना चाहिए, पर सैलरी अपन डालते क्या उसको? नहीं डालते, ये तो गलत बात है। तो सैलरी खर्चा होते हुए भी कंसिडर हो रहा है क्या? नहीं, इसलिए वो कौन सी कॉस्ट हो गई? इम्प्लीसिट है बट रिकॉर्ड नहीं हो रही, एक्सप्लिसिट है और रिकॉर्ड भी हो रही है। बाहर बाकी लोगों को सैलरी दे रहे तो रिकॉर्ड भी होती क्या? यस, तो वो रिकॉर्ड होगी, कंसिडर भी होगी। तो बेसिकली अभी अपन आ रहे कौन से चीजों पे देखेंगे। तो मैं कैपिटल दे रहा हूं, तो मैं वो पैसे किसी और जगह लगाता तो इंटरेस्ट कमा सकता था। तो कैपिटल का इंटरेस्ट, मेरे जगह के अंदर बिजनेस चालू किया, मेरे पापा का घर है, उसके नीचे एक शटर है, तो मैं वहां पे बिजनेस चालू किया, तो पापा मेरे से रेंट लेंगे क्या? नहीं। बट एक्चुअली मैं दूसरी जगह करता तो रेंट लगता था क्या? यस। रेंट, कैपिटल का इंटरेस्ट, ओनर की सैलरी, या ऐसे कुछ एक्सपेंसेस है जो होते तो है बट अपन बिजनेस में डेबिट नहीं करते, करना चाहिए क्या? यस। तो वो होती है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट, मीनिंग कॉस्ट विच इन्वॉल्व कैश पेमेंट। तो जितने भी अकाउंट्स के खर्चे जो तुमने 11 से लेके आज तक रिकॉर्ड करे, पूरे खर्चे किस पे आते? एक्सप्लिसिट में आते। द कॉस्ट विच डू नॉट इन्वॉल्व कैश पेमेंट इज इम्प्लिसिट, अदरवाइज नोन एज आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट। और इनको क्या बोलेंगे वर्ड? अपॉर्चुनिटी, नोशनल, इम्प्यूटेड कॉस्ट, हिडन कॉस्ट, और सबसे 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 इंपॉर्टेंट, कॉस्टिंग में आते या नहीं आते? एक्सप्लिसिट कॉस्ट आती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट भी आती है। अकाउंट्स है, लेता नहीं है, बेशरम है, अपन लेंगे, क्योंकि अकाउंट डिसीजन मेकिंग के लिए यूज नहीं होता है, कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है। तो जो भी चीज डिसीजन मेकिंग में आती है वो सब कॉस्टिंग में कंसिडर होती है। तो ऊपर किधर तो लिखो, इम्प्लिसिट कॉस्ट कॉस्टिंग में कंसिडर होती है, कंसिडर्ड इन कॉस्टिंग। मेजरमेंट कैसे गिनेंगे? देर एक्चुअली इनकर्ड एंड हेंस कैन बी इजिली बी मेजर्ड। मेरे स्टाफ यहाँ पे काम किया, 10,000 की पगार दिया, 10,000 रिकॉर्ड हो गया, कोई टेंशन ही नहीं है, अमाउंट दिया एग्जैक्ट हो गया। अब मेरी सैलरी कितनी डेबिट करूं? एक्चुअल में तो ले रहा नहीं हूं, तो मैं 10,000 डालू तो भी ओके, 50,000 डालू तो भी ओके, 1,00,000 डालू तो भी ओके, 2,00,000 डालू तो भी ओके, क्योंकि पेमेंट हो रहा नहीं है। सर आप देखो कि अगर आप दूसरी जगह काम करते थे तो आपको कितनी सैलरी मिलती थी वो डालो। अब वो भी प्रॉब्लम है कि मैं कहाँ पे काम करता, एक आधे बिजनेस में, एक आधे मल्टीनेशनल में, एक आधे फॉरेन में, तो वही कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। कौन सी कॉस्ट? इम्प्लिसिट कॉस्ट, ओनर की सैलरी। अभी एक आधा ओनर अगर अंगूठा छापे है तो उसको बाहर सैलरी 10,000 12,000 मिलेगी, बट वही वो खुद के बिजनेस में काम करेगा तो ज्यादा पैसे लेगा। तो एक्चुअल सैलरी ऑफ ओनर कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट का सबसे बड़ा इश्यू क्या है? नॉट इनकर्ड एक्चुअली, दे कैन नॉट बी इजीली मेजर्ड। तो ये इजीली मेजर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं इजीली मेजर कर सकते? क्योंकि एक आध बार सीए का तुम है और तुम फ्यूचर में जाके जॉब करेंगे तो तुम्हारे दोस्त की सैलरी तुम्हारी सैलरी सेम रहेंगे, ऐसा अजम्पशन करके डाल तो देंगे। बट एक आधा दूसरा बिजनेसमैन है वो क्या करेगा? वो तो एजुकेटेड ही नहीं है, वो किसके साथ कंपेयर करे खुद की सैलरी? तो वो तो मुश्किल हो जाती है। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट को निकालना थोड़ा मुश्किल है। रिकॉर्डिंग, दीज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स, दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होते हैं, ना ये रिकॉर्ड होगा ना ये रिकॉर्ड होगा, दोनों के दोनों अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग नहीं की जाती है। सॉरी, ये रिकॉर्ड होती है और ये रिकॉर्डिंग नहीं होती। बट कॉस्टिंग में एक आध दो चैप्टर्स आएंगे तब मैं याद दिलाऊंगा कि ये कॉस्ट भले ही रिकॉर्ड नहीं होती है फिर भी अपन कंसिडर करते हैं। क्यों करते हैं?
क्योंकि अकाउंट्स में कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं होती है और कॉस्टिंग में डिसीजन मेकिंग होती है, इसीलिए ये कंसीडर करना जरूरी है। पर्पस, अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग, कॉस्ट कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग, इसका सिर्फ और सिर्फ डिसीजन मेकिंग ही इंटेंशन है। एग्जाम्पल, एक्चुअल रेंट पेड, सैलरी टू स्टाफ, एडवर्टाइजमेंट, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, रेंट ऑन ओन प्रीमाइसेस, सैलरी ऑफ अ प्रोप्राइटर। तो ये सब एग्जाम्पल्स है जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है, कैश में रिकॉर्ड नहीं किए जाते, अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होते, सिर्फ डिसीजन मेकिंग के लिए काम आते। पर इसका एक प्रॉब्लम है कि ये कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है। ओके, जस्ट दो मिनट। नेक्स्ट आ रहे अपन एक कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट यूनिट। अभी कॉस्ट यूनिट क्या कॉन्सेप्ट है, एक नेक्स्ट पेज पे रहेगा शायद तुम्हारे। कॉस्ट यूनिट मतलब कॉस्ट तो निकाल रहे बट पर व्हाट, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी बीसीए का एग्जांपल लेंगे तो मुझे कॉस्ट पर स्टूडेंट निकालना पड़ेगा, बराबर। तो स्टूडेंट क्या हो गया, कॉस्ट यूनिट हो गया, मतलब कॉस्ट निकाल रहे पर व्हाट, पर स्टूडेंट। पर आर निकालू क्या कॉस्ट, पर स्क्वायर फीट निकालू क्या कॉस्ट, पर यूनिट निकालू क्या, पर स्टूडेंट। तो ये पर क्या, वो इंपॉर्टेंट है। तो जिस बेसिस पे निकालते हैं, अभी जैसे तुम अगर फ्रूट्स खरीदने को गए, तो जब बनानास खरीदते हैं केले, तो पर व्हाट, वो सामने वाला प्राइस जब बोलता है क्या बोलता है, पर केजी बोलता है क्या, फिर पर डजन बोलता है, ठीक है। तुम वाटरमेलन खरीदने को जाओ, वो पर डजन बोलेगा क्या, फिर पर केजी बोलेगा या पर यूनिट बोलेगा। तो हर चीज के केस में, फ्रूट सी तो है बट अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो रहा है। तो तरबूज वगैरह, खरबूजा, ये सब पर यूनिट बोलते, केले वगैरह पर डजन बोलते, अंगूर वगैरह पर यूनिट नहीं बोल सकते, पर डजन नहीं बोल सकते, पर केजी, ठीक है। सो फ्रूट टू फ्रूट चेंज हो रहा है, वैसा बिजनेस टू बिजनेस भी कैलकुलेशन करने का तरीका चेंज हो जाता है। तो पर व्हाट, वो कैलकुलेट करना है अपने को। तो पर प्रोडक्ट करना है, पर कॉस्ट यूनिट करना है, एग्जैक्टली क्या करना है पर, तो वो अपने को कैलकुलेशंस सीखने पड़ेंगे। तो अभी जैसा सोप, साबुन, तो यहां पे क्या रहेगी, पर नंबर पर कार्टन, एक तो पर बॉक्स या पर यूनिट निकालेंगे। वायर ऑब्लिक केबल, पर मीटर ऑब्लिक पर किलोमीटर निकाला जाएगा। हाँ, एक तो पर क्या बोलते हैं, जैसा अभी एसी के लिए भी लगता है एक कॉपर वायर, तो पर मीटर चार्ज करते हैं ये लोग। अगर तुम एमएससीबी में जाएंगे, इतने बड़े इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग गिरी है, तो वहां पे पर किलोमीटर निकालेंगे वो स्टील का। डेरी, पर लीटर दूध वगैरह। गुड्स ट्रांसपोर्ट, टन किलोमीटर, तो यहाँ पे दो यूनिट्स लगेंगे। क्यों, अभी जितना भी मुंडे मार्केट में है, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जब भी आता है सो वो ट्रक में आता है, तो ट्रांसपोर्टेशन वाला क्या बोलता है, कितना माल भर रहे और कितने दूर लेके जा रहे हैं उसके हिसाब से। तो ट्रक वाले क्या बोलते हैं, एक टन का एक किलोमीटर का रेट बताते हैं, जनरली 100 रुपए, 120 रुपए, 90 रुपए, जो भी होता है, वो एक टन का एक किलोमीटर का। तो एक जनरली ट्रक जो होती है, वो ट्रक जनरली 8 टन, 12 टन, 20 टन ऐसे होती है। तो अगर एक ट्रक पूरी 8 टन की लेके गए, तो पूरा माल भरे, तो 100 रुपए अगर डिसाइड हुआ, तो 8 टन भरे, 800 रुपए एवरी किलोमीटर का। अगर तुम यहां से लातूर भेज दिए, सपोज लातूर का डिस्टेंस है सपोज 120 किलोमीटर, तो 8000 × 120, तो कितना हुआ, सॉरी 800 × 120, तो 96,000 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा। तो इस तरीके से उसका कैलकुलेशन निकाला जाता है, पर टन पर किलोमीटर। वुड, फर्नीचर के लिए जो ये लगता है सागवान की लकड़ी वगैरह, तो ये जो है पर क्यूबिक फीट होता है। अभी क्यूबिक फीट, तो तुम्हारे घर का जो भी फर्नीचर का काम आएगा, जो जनरली प्लाईवुड्स वगैरह होते हैं, वो तो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलते।
क्योंकि उसकी हाइट फिक्स होती है, पर जो पेड़ की लकड़ी काट के लेके आते हैं उसकी हाइट फिक्स नहीं होती है, इसलिए पर क्यूबिक फीट निकाला जाता है। फूड ग्रेन केजी क्विंटल टन, क्विंटल मतलब 100 केजी को एक क्विंटल ऐसा बोलेंगे। शुगर पर टन, हॉस्पिटल पर पेशेंट डे, कितने पेशेंट कितने दिन, जनरली बेड डेज होते हैं, जनरली वो हॉस्पिटल वाले बोलते हैं बेड, कितने बेड ऑक्यूपाई कर रहे हैं और कितने दिन के लिए ऑक्यूपाई कर रहे हैं। दो पेशेंट है तो दो बेड, और 5 दिन लगा रहे तो 2 पेशेंट के 5 दिन के पैसे लगाएंगे ये लोग। ऑटोमोबाइल पर व्हीकल, ब्रिक्स ईट वगैरह, जनरली 1000 ईट का एक कैलकुलेशन होता है। रेती का पता है किसी को कि जब रेती खरीदते तो पर वॉट, हाँ तो रेती जनरली ब्रास के बेसिस पे कैलकुलेट होती है, पर ब्रास। एक जग जो तुम ओपन ट्रक देखते हो जिसमें रेती आती है, उसमें 3 ब्रास रेती होती है, तो वो ब्रास मतलब बेसिकली कुछ एरिया होता है पर स्क्वायर, और उसके अंदर जितना बैठ गया बैठा, तो रेती वगैरह ब्रास में आती है। बिल्डिंग स्क्वायर फीट, जब तुम फ्लैट वगैरह बुक करने जाएंगे घर, तो वो स्क्वायर फीट का रेट बताते, यहाँ पे 6000 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से फ्लैट मिलेगा। अब तुम्हारा फ्लैट 2 BHK तो ज्यादा स्क्वायर फीट रहेंगे, 1 BHK तो कम, 3 BHK तो और भी ज्यादा, तो जितना स्क्वायर फीट का फ्लैट उतने इंटू रेट, उस हिसाब से तुमको अमाउंट देना पड़ेगा। सीमेंट टन के हिसाब से या बैग के हिसाब से। पावर किलो वैट आवर्स, तो जनरली कितने पावर की मशीन कितने घंटा चल रही उसके हिसाब से तुम्हारे बिजली के यूनिट्स आते, तो पर यूनिट रेट लगता है। पेपर का रिम, रिम मतलब कभी रेडीमेड कपड़े के जगह सिलाई वाले कपड़े के दुकान में गए तो वहां पे कपड़े कैसे खरीदते हैं, मीटर के हिसाब से खरीदते हैं, तो वो मीटर के हिसाब से कैसे निकाल के देता, उनके पास क्या होता है, तो उनके पास ऐसा एक देखो ऐसा लकड़ी का ऐसा होता है, उसको कपड़ा ऐसा लपेटा वाला रहता क्या, फिर उसको से खींच के निकालते, फिर उसको उनके पास से स्केल रहता मीटर के हिसाब से कट करके लाके देते तुमको। हाँ तो वो जिससे निकाले खींच के वो गोल गोल लपेट के रखा था, तो उसको एक रिम ऐसा बोलते हैं। तो बेसिकली रिम क्या होता है, तो ये ऐसा पूरा सर्कल जिसको ऐसा पूरा स्पाइरल करके रखा वाला है, तो एक बंडल को एक रिम ऐसा बोलते हैं। फिर वो कपड़े का हो, स्टील का हो या पेपर का हो। अगर तुम अभी यहाँ पे नांदेड़ के प्रजावाणी न्यूज़पेपर में जाएंगे तो डेली बेसिस पे प्रिंटिंग होती है, तो प्रिंटिंग पेपर पे होती है, वो पेपर कैसा आता है, रिम फॉर्मेट में आता है, तो ऐसा गोल गोल लपेट के रखते हैं और फिर उसको प्रिंटिंग के लिए डाल देते हैं। सो बेसिकली पेपर जो भी है वो रिम फॉर्मेट में आता है। टेक्सटाइल कपड़ा मीटर के बेसिस पे। रोड कंस्ट्रक्शन पर माइल पर किलोमीटर, तो जनरली रोड कॉन्ट्रैक्टर पर किलोमीटर के हिसाब से चार्जिंग करेंगे, तो हर एक का ऐसा ऐसा अपना अपना है। तो ये है कॉस्ट यूनिट। तो क्या करो, एक क्वेश्चन है नीचे, कल देखो नर्सिंग होम वगैरह ये मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग देखे रहेंगे कल, उसके सामने कॉस्ट पर यूनिट है, तुमको क्या लगता वो लिखो, और नीचे मैच द फॉलोइंग पेयर है वो भी करना है। पहले इतना ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 कॉस्ट यूनिट वो बिजनेस का क्या रहेगा तुमको लगता है वो लिखो।
लिखे कितने लोगों का हो गया, कितने लोग कर रहे हैं? लास्ट 1 मिनट। झालं ओके। नर्सिंग होम, यस, पर बेड या पर पेशेंट ले सकते हो, तो जनरली पर बेड होता है। गुड्स ट्रांसपोर्ट, अभी डिस्कस कर रहे थे, 10 किलोमीटर। स्टील पर टन, कोल पर टन, बाइसिकल पर यूनिट, हर साइकिल का अलग प्राइस रहेगा। ब्रिज कंस्ट्रक्ट, वो ब्राइड नहीं है, ब्रिज है। हाँ, पर यूनिट और पर ब्रिज या पर कॉन्ट्रैक्ट, पर जॉब और कॉन्ट्रैक्ट। इंटीरियर डेकोरेशन, पर जॉब, पर स्क्वायर फीट। ओके, तो जनरली इनका जनरली परसेंटेज डिसाइड होता है, कितना खर्चा कर रहे हैं उसका 8% 10% ये लोग ले लेते हैं, ठीक है। पर अपन यहाँ पे ऐसा बोल नहीं सकते, इसलिए पर जॉब। एडवर्टाइजिंग, अभी एडवर्टाइजिंग कैसी है उसके ऊपर है। ओके, अगर टीवी कमर्शियल ऐड है पर सेकेंड, रेडियो ऐड है पर सेकेंड होती है, कितने देर का गाना बज रहा, कितने देर की ऐड है, पेपर वगैरह है या होर्डिंग है, तो पर स्क्वायर फीट होता है। तो उसके दो ऑप्शंस लिखो, पर स्क्वायर फीट और पर सेकेंड। जो टेलीविजन पे ऐड लगती है वो पर सेकेंड के हिसाब से चार्ज करते हैं, रेडियो पे पर सेकेंड के हिसाब से, और पेपर ऐड हो, प्रॉस्पेक्टस हो या बैनर हो, ये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। रेडीमेड फर्नीचर, हाँ, पर यूनिट। सुगर फैक्ट्री, पर टन, पर क्विंटल या पर केजी। ओके, ट्राई करो, मैच द फॉलोइंग पेयर। कंफ्यूजन हो सकता है, पर तुमको जो लगता है वो करो। एक ऑप्शन ट्राई करो कि जो कंफर्म पता है पहले वो लिख दो, जो नहीं पता फिर वो बैलेंस लगाने की कोशिश करो।
उल्टा कॉन्ट्रैक्ट का क्या आएगा, ईच कॉन्ट्रैक्ट, तो इसका फोर नंबर आ जाएगा। जॉब का क्यों, जॉब का ईच जॉब आ जाएगा वन। फिर ऑपरेटिंग का, हाँ अभी ऑपरेटिंग जो है, ऑपरेटिंग मतलब सर्विस इंडस्ट्री, तो कौन सी सर्विस इंडस्ट्री है, अभी ट्रांसपोर्ट पकड़े तो पर टन पर किलोमीटर आता, और हॉस्पिटल पकड़े तो पर बेड पर डे आता, तो दोनों भी चलते कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका टू भी आता सिक्स भी आता। सिंगल, एक ही दिन रात काम चल रहे हैं, ईच यूनिट नहीं पर टन आता इसका, क्योंकि कोल का एग्जांपल लिए थे अपन ने, प्रोसेस का था ईच यूनिट और मल्टीपल 2.6। कॉस्ट शीट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, ऑन 31st मार्च सेल्स फॉर द ईयर 2,75,000, इन्वेंट्रीज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं, वेरी गुड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स WIPN परचेस ऑफ रॉ, ये तीनों क्या हो गए, ये ओपनिंग हो गए, फिर स्टॉक पकड़ो WIP पकड़ो फिनिश गुड्स पकड़ो, तो ये ओपनिंग का डेटा दे दिया। मटेरियल इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वॉज 3000 एंड एंड ऑफ द ईयर वॉज 4000, तो ये दो ओपनिंग थे, ये ओपनिंग रॉ मटेरियल, ये क्लोजिंग रॉ मटेरियल, ये फिनिश गुड्स, ये WIP। डायरेक्ट लेबर वॉज 65,000, फैक्ट्री ओवरहेड वर 60% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, करो 60% कितना आता बताओ, थर्टी नाइन थाउजेंड आया क्या, 65,000 का 60% 39,000। इन्वेंट्रीज एट द एंड ऑफ द ईयर वो WIP 6,000, फिनिश गुड्स 8,000, ये क्या है क्लोजिंग। अदर एक्सपेंसेस फॉर द ईयर वर सेलिंग एक्सपेंसेस 10% ऑफ द सेल्स, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 5% ऑफ द सेल्स, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, तो तुमको कॉस्ट शीट बनानी है। अब ध्यान देके आराम से, यहां पे क्या बोला है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 5% ऑफ सेल्स, अब कौन बताएगा कि ये एडमिनिस्ट्रेशन प्रोडक्शन है कि एडमिनिस्ट्रेशन जनरल है, कैसे क्या क्या बोला था अपन ने, क्वेश्चन अगर प्रोडक्शन बोलेगा तो प्रोडक्शन, क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो जनरल में लेके जाएंगे, वेरी गुड, तो हेडिंग दे दो, कॉस्ट शीट, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, तुमको कॉस्ट पर यूनिट नहीं बोला है, तो दो कॉलम बनाए तो भी चल जाएंगे, तीन बनाना है तो तीन बनाओ जैसा भी, कॉस्ट पर यूनिट नहीं पूछा है।
ओके तो सबसे पहले क्या आएगा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैसे मिलता, तीन चीजें करके, ओपनिंग स्टॉक, एड परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक एड परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। बोलो ओपनिंग स्टॉक कितना है, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक कितना, इधर दिया है क्या, मटेरियल इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 3000, तो सबसे इनर कॉलम में 3000, परचेसेस कितना है, कॉपी क्या है ना, कितना है परचेसेस, 1,10,000, क्लोजिंग स्टॉक 4,000। एक लाख नौ हजार आया, सेकेंड कॉलम में लिखना, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर कितना, 65,000, सेकेंड कॉलम। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ दिए क्या, जीरो। प्राइम कॉस्ट बोलो 1 लाख, 1,74,000, एक काम करता हूं पर्टिकुलर्स कॉलम दे देता हूं, जिसको जमा वो कॉस्ट शीट बनाओ, जिसको नहीं जमा फिर बाद में मैं बताता हूँ कहाँ पे क्या क्या ऐड करना है, तो कॉस्ट शीट तो साथ में सब पहले लिख लेंगे। प्राइम कॉस्ट तक लिखेंगे सब लोग, ऐड फैक्ट्री रेट्स यू विल गेट ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। एड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP, नेट फैक्ट्री कॉस्ट, नेट फैक्ट्री कॉस्ट तक लिखे, ओपनिंग क्लोजिंग WIP, एड प्रॉफिट यू विल गेट सेल्स। जिनको जमता करो, जिनको नहीं जमता वेट करो, साथ में करेंगे, सिर्फ पार्टिकुलर्स कॉलम लिख लो, मुझे प्रॉफिट का नंबर बताना या लॉस जो भी है।
हो गया। ट्राई करो प्रॉफिट निकालने का, इतना रहा 1,74,000 तक आया था फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो क्या बोला था फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में, फैक्ट्री ओवरहेड आर 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट था अपना 65, तो उसका 60% 39,000। कैलकुलेशन बताना जरूरी है, 65,000 इंटू 60% 39,000। अगेन मुझे भी पता है तुमको एक चैप्टर मुश्किल होगी, फाउंडेशन जैसा इंटर में नहीं चलेगा, तुम्हारा प्रेजेंटेशन अप टू द मार्क होना चाहिए। सब जगह यूनिट्स लिखना, कैलकुलेशन नंबर कैसे आए वो हर चीज लिखी होनी चाहिए। जब तक तुम्हारे नंबर्स पूरे लिखे नहीं रहेंगे कि नंबर कैसे डिराइव हुए, फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। 39,000 ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, 1,74,000 प्लस 39,000 2,13,000। ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी दिया था क्या? यस, डब्ल्यूआईपी ओपनिंग दिया था 4,000 और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी नीचे दिया था 6,000। तो तुम्हारा नेट फैक्ट्री कॉस्ट आता है 2,11,000। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दिए थे पर प्रोडक्शन के दिए थे क्या? नहीं, इसलिए यहां पे नहीं लिखना, जीरो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, प्रोडक्शन के रिलेटेड जीरो है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा सेम 2,11,000। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया है क्या? यस, 7,000 एंड 8,000। तो 7,000 एंड 8,000, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा 2,10,000। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जनरल क्या बोला था? 5% ऑफ द सेल्स, और सेल्स पहले लाइन में दिया था 2,75,000। तो 2,75,000 का 5% 13,750, और ये भी कैलकुलेशन बताना जरूरी है, 2,75,000 इंटू 5%। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 10% ऑफ सेल्स बोला था, तो 27,500। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है 2,51,250, सेल्स 2,75,000, प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 23,750। मैच हुआ 23,750, यस। तो एक्चुअली बहुत मुश्किल नहीं रहता है, सिर्फ कॉस्ट शीट का फॉर्मेट याद होना बहुत जरूरी है। बट इसके लिए एक बार फॉर्मेट याद हो गया, जो नंबर जहाँ पे वहाँ पे लिखते जाने का वहाँ पे मिलेगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान में रखनी है, अगर यहाँ पे गलती कर दिए मटेरियल में तो क्या होगा? प्राइम कॉस्ट गलत, सब कॉस्ट गलत। अगर मटेरियल में कोई भी गलती करता है, कॉस्ट शीट जनरली मेन एग्जाम में 10 मार्क को आएगी, और मटेरियल में गलती कर दिए तो तुमको 1 मार्क मिलेगा, 9 मार्क कट जाएंगे, भले तुमने नीचे के सब चीजें करेक्ट लिखी हो। तो
जितना स्कॉर्ट शीट तुमको लग रही है मार्क्स उतने इजीली देती भी है, उतने इजीली निकाल भी लेती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग स्टार्टिंग की हर चीज करेक्ट आनी चाहिए। अगर तुमको वो गलत लगा, एक ट्रिक बता रहा हूं, अगर गलत लगा कि अपना कुछ तो गड़बड़ है, तो टोटल्स किसी की भी मत लो, नेट फैक्ट्री कॉस्ट की भी मत लो, किसकी भी मत लो, और ये सब करेक्ट लिख दो, फैक्ट्री हो रहे, एडमिनिस्ट्रेशन हो रहे, टोटल किसी की भी मत लो। फिर वो करेक्ट नंबर लिखने के आधे 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 मार्क्स देगा, टोटल गलत आएगी नहीं क्योंकि मैंने टोटल निकाली ही नहीं, ठीक है। मतलब टोटल लेके कम मार्क्स मिलते हैं, पर टोटल बिना लिखे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं क्योंकि तुमने बाकी आइटम्स तो भी करेक्ट लिखे। समझे नहीं समझे? हाँ, तो अगर कभी भी डाउट आया तो टोटल ही मत लो, बट जो जिसका आइटम है वो उसके सामने लिख देने का। समझे? ओके, क्वेश्चन नंबर 6। फॉलोइंग फिगर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अनुया लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30th अप्रैल। तो तुमको कॉस्ट शीट बनानी है, तो क्या काम करना है, पेंसिल लो, कौन सा खर्चा किस चीज का लगता है वो लिखो, जैसा 11वीं में करते थे P&L आइटम, बैलेंस शीट असेट, बैलेंस शीट लाइबिलिटी, वैसा। कौन सा डायरेक्ट मटेरियल है, कौन सा डायरेक्ट लेबर है, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जो खर्चा जो लगता है उसके सामने वो लिखो शॉर्ट में। हाँ, और ये इंश्योरेंस हेडिंग है, इंश्योरेंस के हेडिंग के नीचे आता स्टाफ कार पहला, ऑफिस बिल्डिंग दूसरा, फैक्ट्री बिल्डिंग तीसरा। जो जिधर खर्चा लगता है तुमको ऐसा फील होता है वो लिखते जाओ।
झालं का? ओके बोलते जाओ. डायरेक्ट मटेरियल. वाह वाह, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर. डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री ओवरहेड्स. ब्रांच ऑफिस एक्सपेंसेस, वेरी गुड. एडमिनिस्ट्रेशन. डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स. डेप्रिसिएशन ऑफ स्टाफ का, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड. इंश्योरेंस ऑफ स्टाफ का, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड. ऑफिस बिल्डिंग इंश्योरेंस, फैक्ट्री बिल्डिंग. डिलीवरी वैन मेंटेनेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. सैलरीज, सेल्स मैनेजर, सेलिंग एंड फैक्ट्री चीफ इंजीनियर, फैक्ट्री ओवरहेड्स. फिनिश गुड्स वेयरहाउस एक्सपेंसेस, फिनिश गुड्स वेयरहाउस. ये पढ़े थे क्या पहले? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आता. वेयरहाउस रॉ मटेरियल का रहा तो फैक्ट्री, एंड फिनिश गुड्स का रहा तो इलेक्ट्रिसिटी, इंक्लूडिंग 4,000 फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस. तो 20,000 को दो पार्ट में डिवाइड करो, सॉरी 40,000 को दो पार्ट में डिवाइड करो, तो 4,000 किधर जाएगा? नहीं, फिनिश गुड्स 20,000 रही है और इन दोनों का टोटल ये है, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया ये सब. हाँ, वो हिडन एडजस्टमेंट है. ओके, तो 40,000 का ये 4,000 किधर जाएगा? एडमिन. 36,000 किधर जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा. मेन बिजली किधर लगती है? फैक्ट्री में. एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. सन्ड्री फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स. सेल्स प्रमोशन, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन. एक्सपेंसेस फॉर पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड 10,000, 42 लाख, ये सेल्स. कौन सा किधर आइटम जाएगा? समझा क्या? पक्का? हाँ, एक बार ये समझ गया तो फिर अपन कॉस्ट शीट बनाने के लिए इजी है. तो कल के पहले लेक्चर में अपन ये पहले इसकी कॉस्ट शीट बनाएंगे, ठीक है? हाँ, तो इंस्ट्रक्शन जो भी बच्चे का पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर या कुछ भी एक दो मिसिंग है तो आज वो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं यूट्यूब लिंक डाल दूंगा, ओपन है तो देख लेना, वो तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो फिर कल से तुम वो कॉस्ट शीट बनाना ईजिली सीख जाएंगे. बाकी कॉन्सेप्ट वहाँ पे सब कवर हो जाएंगे, ठीक है? और कल से मॉर्निंग इवनिंग दोनों भी सेशन चालू हो जा रहा है.